इनके भाई आप खुशी और बुआ जी को उनके घर ले जाइए। हम यही रुकेंगे। राजकुमारी बिल्कुल ठीक है, उस डॉक्टर को कुछ नहीं पता। मैंने दी से कि हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा, कि उन्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने देखा, तुमने कुछ नहीं कर पाया। मैं बड़ी फेली हूं। I tried, खुशी, बहुत बहुत कोशिश की मैंने, हर बार नाकाम रहा मैं। श्याम मेरी दी को धोखा देता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाया। आज दी इस हालत में है और मैं सुनो खुशी, यही सच है। उस रात भी मैं कुछ नहीं कर पाया था। मेरे और दी के साथ वो हादसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात को मुझे कुछ नहीं समझता मुझे। मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको उसके साथ। किसके साथ? आपने कभी मुझे प्यार किया ही नहीं। रत्ना, रत्ना, उनके किसी औरत के साथ नाजायज संबंध है। जब मेरी मां को पता चला तो बर्दाश्त नहीं कर पाई।
जब मेरी माँ ने अपनी जान ली उसके बाद उनकी मौत के लिए खुद को दोषी मानकर डैड ने भी आत्महत्या कर ली। मुझे काफी देर बाद पता चला कि वो औरत भी डैड को लास्ट टाइम देखने के लिए आई थी। मैंने उस औरत का चेहरा कभी नहीं देखा, लेकिन इतना जानता हूं कि उसने और डैड ने मिलकर मेरी मां की जान ली है। उस रात सब कुछ बिगड़ गया, कुछ उम्मीद थी, छोटा था, पर मैंने हिम्मत की, सोचा दी को मेरी जरूरत है और दी को कहा कि थी सब ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, हम फिर खुश होंगे। उठ रहे हैं, आई फील डैमेज। शादी हुई और वो शाम काउंटर, हर बार जब मैं उसे देखता हूं मुझे मेरे डैड की शक्ल नजर आती। उसने दी को वैसे ही धोखा दिया जैसे डैड ने मां को। फिर से वही सब हो रहा है खुशी, दी की शादी बचाने के लिए तुमसे शादी की, शाम को दी की जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया इस ओप के साथ कि अब सब ठीक कर दूंगा, पर मैं कुछ नहीं कर पाया कुछ। दी आज फिर रो रही है, दर्द में जब दी थोड़ी खुश हो जाती है मुझे लगता है सब ठीक हो गया। I don't know why everything just goes away। माँ, पति,